26 फरवरी 2019 की एयर स्ट्राइक में 12 भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, IL-78 और एयरबोन एवं कंट्रोल सिस्टम विमान शामिल थे। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत ने LOC के उस पार जाकर हवाई हमला किया। बारह मिराज 2000 ने 26 फरवरी 2019 को सुबह 3 बजे हवाई हमले के लिए एयरबेस से उड़ान भरी। अगला आधा घंटा बेहद महत्वपूर्ण था। 1971 की लड़ाई के बाद पहली बार भारत ने LOC पार जाकर एयर स्ट्राइक की। कि एक तो जो टेररिस्ट था जो हमारे CRPF कॉन्वॉय को अटैक किया वो जैश ए मोहम्मद का ट्रेनी था, लॉजिस्टिक सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट उनका था। अब क्या हुआ कि उनके चारों दोस्त वो भी अब मीडिया में अपने व्हाट्सएप वगैरह में, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं क्योंकि वो खुद ही अपने आप को दिखा रहे हैं, खुद ही दिखा रहे हैं हम जैश मोहम्मद के ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं। हमारे पास उनके सारे टेररिस्ट कैंप्स हैं जो मैप्ड हैं। तो इसमें सबसे बड़ा तो भावलपुर में, पर उसको छोड़ के बालाकोट इसलिए चुना कि एक तो एक पहाड़ी इलाका में, इट्स ऑन द क्रस्ट ऑफ जब्बा टॉप, अंदर पाकिस्तान के अंदर है, उसकी इर्द गिर्द कोई आबादी भी नहीं है। दैट मीन्स वी ऑल हियर टेररिस्ट कैंप बिग इनफ एंड इट वॉज रिजल्टेड इन नो कोलैटरल कि कोई और किसी को चोट नहीं पहुंचता, इसीलिए बालाकोट लिया। ये भी बता दूं कि हमारे पास बालाकोट के बारे में इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा था। बालाकोट सहित पाकिस्तान में 3 स्थानों पर हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी लड़ाकू हवाई जहाजों की गश्त को रोकने के लिए एक रणनीतिक जाल बिछाया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट पाकिस्तानी राज्य पंजाब के बहावलपुर में जैश मोहम्मद के मुख्यालय की ओर बढ़े ताकि पाकिस्तानी एयर पेट्रोल फाइटर जेट्स को वास्तविक स्ट्राइक कैंप से दूर रखा जा सके। इसके लिए कुछ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारतीय प्रांत पंजाब से उड़ान भरी ताकि यह आभास दिया जा सके कि स्ट्राइक बहावलपुर में जैश मोहम्मद के मुख्यालय में की जा रही है। पाकिस्तान इस चाल में फंसा और हवा में इस मार्ग पर पाकिस्तानी युद्ध विमान आगे बढ़े। नतीजा ये हुआ कि जिन 3 ठिकानों पर हवाई हमले करने थे वहां पाकिस्तान वायुसेना के एयर पेट्रोल फाइटर जेट उपलब्ध नहीं थे। निकटतम उपलब्ध पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर थे। उस टाइम पे भी पाकिस्तान के साइड में एक सैप 2000, दिट इज अ AWNC एयरक्राफ्ट, वाज ऑर्बिटिंग नॉर्थ साउथ ऑफ कामरा। एट 3:05 टू F-16s गॉट एयरबोर्न एंड दे स्टार्टेड ऑर्बिटिंग ओवर मुरीद। एट दिस स्टेज वी फाउंड दैट दे वर वेरी क्लोज टू आवर स्ट्राइक पैकेज व्हिच इज गोइंग इन, बिकॉज एट द टर्मिनल स्टेज देर वॉज अ एलिमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी बिकॉज वी वुड हैव बीन पिक्ड अप बाय द रडार्स। At that time, we were flexible enough to launch 4 Jaguars from Bala with 2 Su-30s and make them go full speed towards Bahawalpur. By which this package looked at this as a threat and did not pick up the main strike, and they broke pattern and went for it. इस प्रकार भारतीय वायुसेना की रणनीति में पाकिस्तानी वायुसेना उलझ गई थी। भारतीय वायुसेना अपने 3 ठिकानों बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी पर हवाई हमलों के लिए तैयार थी। भारतीय युद्ध विमानों ने 26 फरवरी को हवाई हमले के लिए ग्वालियर, आगरा और अंबाला बेस से सुबह 3 बजे उड़ान भरी। हवाई हमले की गोपनीयता बनाए रखने के लिए युद्ध विमानों ने रणनीतिक रूप से LOC के साथ मुजफ्फराबाद सेक्टर में एक घुमावदार मार्ग पर उड़ान भरी। एक अन्य 4 Sukhoi-30 MKI ने बरेली और हलवारा एयरबेस से उड़ान भरी, जबकि 2 मिड एयर रिफ्यूलर IL-78A ने आगरा से उड़ान भरी, जबकि SWACS फाल्कन और मिनी को भटिंडा बेस में तैनात किया गया था।
तो उसमें वो जो मिराजेस भी हैं, एक्चुअली स्पीकिंग ऑल द एरोप्लेन्स हु वेंट फॉर द स्ट्राइक टुक ऑफ फ्रॉम ग्वालियर. वी हैड 20 एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्ड, 18 गॉट एयरबॉर्न बिकॉज वी हैड प्लान्ड 18 फ्रॉम टैक्सी ट्रैक एंड द रनवे टू कंप्रेस द टाइम. दे गॉट एयरबॉर्न, वेंट नॉर्थ टुवर्ड्स बरेली सेक्टर. दे कैरिड आउट मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑन अ डार्क नाइट. यू नो दे वेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ टू यूज द कवर ऑफ द माउंटेन्स सो द रडार डज नॉट पिक देम अप. And north of Srinagar, we went on a direction 270 towards Balakot to hit the target. It's about 1,500 kilometers. And this whole package had additional protection. We had the AVACS flying along with it, giving the full picture. And we also had combat air patrol flying in JNK and south in case any threat would develop on them. Hawaii hamle ka pehla lakshy LOC ke paar nahi, balki antarrashtriya seema ke us paar tha. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद आतंकवादी शिविर को निशाना बनाया गया. 26 फरवरी 2019 को 3:45 पर और 3:53 पर मिराज 2000 से हवाई हमले किए गए. दूसरा लक्ष्य पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद था, जिसे भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को सुबह 3:48 से 3:55 के बीच और सुबह 3:58 से 4:04 के बीच चकोटी में निशान बनाया था. भारतीय वायुसेना ने तीनों स्थानों पर 1000 किलोग्राम बम फेंके गए. इजराइल द्वारा निर्मित स्पाइस 2000 ग्लाइड बमों से इमारतों के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था. मिशन सुबह 4 बजे पूरा हुआ. पश्चिमी कमान के तत्कालीन एयर मार्शल सी हरि कुमार ने तत्कालीन अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ को टेलीफोन करके बोला, बंदर. क्योंकि ये मिशन का कोडवर्ड बंदर नहीं था, ये कोडवर्ड था मैं उनको बताऊं कि भैया ये सही हो गया, ताकि इसमें और कोई डाउट ही नहीं. क्योंकि जो हमारे सबकॉन एक्शन भी है उसके भी 3 कोडवर्ड है. एक कोडवर्ड है टू प्लान, सेकेंड इज टू प्रिपेयर, थर्ड इज टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस. ये इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये यही था कि भैया हम बता दें ये है और हम सब समझ जाएंगे और वो आगे वो मैसेज दे देंगे. वी सेड कि यू नो घुस के मारेंगे. That is exactly what we said. And that was the message? That was the message that we wanted to give of Balakot. No matter where you are. Okay. Otherwise, you want to play safe, to apne territory se maro, Brahmos unke upar kya kar lenge wo. When we initially planned Balakot, like I told you, we had a very clear this thing that which are the buildings we are going to hit. And also, it was not a kill all, destroy all mission. Okay. If it was a kill all, destroy all mission, Brahmos is a very effective answer. Now you say, why is BrahMos effective? Because first of all, it is supersonic. Secondly, the present capability that they have got on their fighters and things like that, ability to intercept BrahMos without terminal weapons is very low. And they had not deployed any terminal weapons in Balakot. So who would have intercepted the BrahMos? Nobody. Okay, but it was not a kill all destroy all mission. We went to kill the terrorists and send a message to them that no matter where you are, whether you are in Pakistan occupied Kashmir or you are in Pakistan proper, we will get you. That is the message of Balakot. 28 फरवरी 2019 को सेवानिवृत्त पश्चिमी कमान के तत्कालीन प्रमुख एयर मार्शल सी हरिकुमार की विदाई पार्टी आयोजित की गई थी.
जिसमें तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि सफलतापूर्ण एयर स्ट्राइक हो जाने के बाद फोन पर बंदर बोल देना। इसकी दिलचस्प कहानी भी हरि कुमार ने एक साक्षात्कार में बताई थी। एंड इट वॉज एन एक्सलेंट पार्टी होस्टेड बाय द एयरफोर्स। इन दैट पार्टी चीफ ने बोला कि यार हर एक मिनट जब तुम बाहर थोड़ा सा सैर करके आते तो हम गए सबके सामने। नहीं नहीं नहीं, अकेले में। हाँ। हम चलो लॉन में चलते हैं, कुछ बात करते हैं। सो वी वेंट टू द लॉन, वी डिस्कस्ड कि इज देयर एनीथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड और इज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। आई सेड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज व्हाट द प्लान इज, बिकॉज दे डिसाइड द टारगेट, द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज डन बाय द ऑपरेटिंग कमांड्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ घर, आप ऐसे कीजिएगा अगर सब कुछ सही गया और सारे सेफली लैंड कर गए, आप फोन करके मुझे बता दीजिए बंदर, मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। बालाकोट में हवाई हमलों ने जैश मोहम्मद के लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया और 300 से 350 जैश के आतंकवादियों को मार गिराया। पीओके के मुजफ्फराबाद में जैश मोहम्मद के अल्फा 3 कंट्रोल रूम को ध्वस्त कर दिया गया। चकोटी में भी जैश मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ऑपरेशन पूरा होने के बाद इनकी जानकारी एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। जो एक्शन पाकिस्तान ने लेना था वो ही एक्शन हमने उठाया। आप करने में हम करने का आवश्यकता नहीं होता, मगर हमने इसीलिए किया, जाकर टेररिस्ट का जो जगह जहां से पैदा होते हैं, जहां से उनका कुशलता मिलता है, वहां जाकर के इसलिए अटैक किया क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। आप विक्टिम है तो उसको क्यों हटाते नहीं हो, बोलने के लिए विक्टिम है मगर आप ही उनको प्रोत्साहन दे करके भारत में भेज रहे। इसीलिए मोदी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नहीं किया उसको कर दिखाया। आपका टारगेट वो आतंकी है, वो जैश ए मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा में 40 लोगों का शहादत हमने की है, जिसकी जिम्मेदारी 40 लोगों को मारने की जिम्मेदारी जिस जैश ए मोहम्मद ने ली है, सीधे जाओ उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। सेना ने इतनी जिम्मेदारी से काम किया कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत नहीं। जब ये नैरेटिव, जब ये कथन हमने इंटरनेशनल उस पर दिया तो एक एक व्यक्ति ने कहा हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बारे में केवल 7 लोगों को पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सैन्य विंगों के अध्यक्ष, रॉ और आईबी के अध्यक्ष को इसकी जानकारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर जाग रहे थे और एयर स्ट्राइक की जानकारी ले रहे थे कि इस स्ट्राइक में कुछ चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज वाज टू कीप द एंटायर मिशन अ सीक्रेट। तो बहुत ही कम लोगों को पता था कौन सा एलिमेंट्स है जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर, कौन सा टारगेट है। एयर स्ट्राइक के बाद हवाई जहाज भारत लौट आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी उनका अभिनंदन किया गया। हवाई हमले के बाद देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया था और ऑपरेशन के बाद हिंडन एयरबेस 3 दिनों तक हाई अलर्ट पर रहा। 12 मिराज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट थे, उनके 4 एस्कॉर्ट्स थे और अलग से Su-30। तो पीछे 328 वाज द फर्स्ट वेपन हिट। बाय 4 o'clock वी हैड ऑल लैंडेड बैक एट बेसिस इन वेस्टर्न एयर कमांड, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर कुछ शुरू करें तो द एस्केलेशन हैज टू बी कंट्रोल। यानी कि हमें पता है कि अगर हमने कुछ किया तो वो तो जवाब देंगे, शांत नहीं, वो जवाब देंगे ही देंगे। इट कुड रिजल्ट इन फुल कन्वेंशनल वॉर, सो वी हैड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कि भैया हम पूरे जंग के लिए तैयारी करें। 4 o'clock वी ourselves gave फुल एयर डिफेंस अलर्ट पैन इंडिया। ये नहीं कि आर्मी और नेवी अपना काम नहीं कर, वो अपना काम कर रहे थे, राइट? मैं सिर्फ एयरफोर्स की बात कर रहा हूं। भारतीय युद्ध विमानों के फॉर्मेशन के कारण पाकिस्तानी वायुसेना कोई कदम नहीं उठा सकी। पूरा ऑपरेशन वेस्टर्न एयर कमांड द्वारा किया गया था
इस हमले में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान का उपयोग हुआ था जो इसराइल से खरीदे गए थे।